सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। इंजीनियर्स, आज का जो टॉपिक है साइट क्लीनिंग वर्क। साइट क्लीनिंग वर्क क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, ये इस वीडियो में आप जानेंगे। ऑन ग्राउंड पर किस तरह से वर्क किया जाता है, अब यहाँ से आपको साइट क्लीनिंग का जो वर्क है, यहाँ से लेके पूरा फिनिशिंग वर्क तक आपको वर्क भी देखना है और एस्टिमेशन भी करना है। तो आपको पर्पस जानने के लिए सबसे सिंपल बात यह है, कोई भी साइट पर हम जाकर देखते हैं तो वो साइट क्या होती है, कहीं पर कूड़ा कचरा, मडी सॉइल टाइप पूरा हमारा ग्राउंड होता है। जो भी साइट पर जाते हैं वहां पर ग्रास और डिस्पोजल मटेरियल होता है, जो कि हमें हमारे ट्रीज वगैरह भी वहां पर होता है। तो अब इसको क्लीन करवाना क्यों जरूरी होता है, हमारे इंजीनियर्स, हमारे लेबर और हमारा बिस्तरी, ये जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर उनको दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम होता है साइट पर काम करने के लिए। तो इससे हम क्या करते हैं, यही पर्पस होता है कि जो भी साइट पर जाते हैं वहां पर हमारे साइट को क्लीन करवाते हैं। कभी कभार साइट इस तरह से भी होती हैं, अनड्यूलेशन टाइप होती है, कहीं पर ऊंचाई हो जाती है तो कहीं पर थोड़ा सा दबा हुआ पोर्शन हमें दिखाई देता है, इसको लेवल करना होता है इसको, ये भी हमारा साइट क्लीनिंग वर्क में आता है। अब एक हमारा गवर्नमेंट नॉर्म से है और एक हमारा सिंपल जो नॉर्मल हम जो करते हैं, दो चीजें आती हैं। जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से अगर हम कर रहे हैं साइट क्लीन, तो हमें गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से मिनिमम 1 मीटर एक्स्ट्रा क्लीन करवाना होता है हमारे एक्चुअल प्लॉट साइज से। अब गवर्नमेंट के तो ठीक है, लेकिन हमारे जो नॉर्मल साइट्स होते हैं उनको किस तरह से करवाना है, सिंपल कोई भी लेबर को हमने लगा दिया है साइट क्लीन करवाने के लिए। वो करने के बाद हम अब हमारा जो वर्क यहां से स्टार्ट होता है, जो एक्चुअल वर्क है, अभी तक हमने इसका बेसिक एस्टिमेशन देख लिया है। अब एस्टिमेशन का मेन यहां से आपको समझने और उसको करने के लिए देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, कोई भी हमारा एक प्लॉट है, प्लॉट साइज उसकी हाइट नहीं रहती है, बस उसका लेंथ और विड्थ होती है। इसको देखने के लिए हम सेंटर लाइन लेआउट प्लान का यूज करते हैं, उसके थ्रू ही हम ऑन ग्राउंड पर मार्कआउट डालते हैं। तो ये भी हमारा एक मेन रीजन होता है, जब भी हम मार्कआउट डालते हैं तो साइट क्लीनिंग जरूरी है। अगर साइट क्लीन क्लियर नहीं है तो हमारी क्या है, उस जगह पर काम करने में प्रॉब्लम आती है, और दूसरी बात उस जगह पर हमारा मटेरियल भी आता है। तो मटेरियल को किस जगह पर रखें, और अगर साइट क्लीन नहीं, सपोज करो वो जगह पर हमारे मडी टाइप थोड़ा सा सॉइल है, उस जगह पर हमने लाकर सैंड रख दिया, तो क्या होगा, सपोज करो हमारे प्रोजेक्ट कॉस्ट का 2% भी हमारा सैंड अगर वेस्ट होता है तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। इससे बचने के लिए भी हम साइट को क्लीन करवाते हैं, और हमारा जो नॉर्मल साइट कोई भी होते हैं उसके लिए तो हमें भरपूर कोई भी दूसरे प्लॉट की या किसी और की जगह हम यूज करते हैं एज हमारे मटेरियल रखने के लिए। तो चलिए, साइट क्लीनिंग वर्क को हम सेंटर लाइन लेआउट के बाद हम आकर उसको देखेंगे हमारे पेपर वर्क पर।